दोनों को वापस लेने का क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है इस समय पलवल बॉर्डर पर। इस समय मैं आपको बता दूं कि पलवल बॉर्डर केएमपी पर उपस्थित हूं, यहां पर जश्न का माहौल है। जैसे ही प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की, ऐसे ऐसे यहां पर भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। अलग अलग खाप पंचायतों से यहां पर किसान आने शुरू हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि बम पटाखों के साथ यहां पर जश्न का माहौल है। जैसे किसान जो है लगातार यहां पर आने शुरू हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जो धरना स्थल है यहां पर आप देख सकते हैं कि इस समय जो भीड़ है वो इतनी हो गई है। पहले की बात करें तो इतनी भीड़ नहीं थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सीधी तस्वीरें केएमपी बॉर्डर से आप फिलहाल हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है, कितना जश्न का माहौल है। सर, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, कितना खुशी का माहौल है, क्या कुछ आप अपनी खुशी इजहार कर रहे हैं? देखो, जो खुशी तो बिल्कुल हुई है, यदि प्रधानमंत्री जी अपनी बात पे अडग रहेंगे तो खुशी है, लेकिन जो उनका जो मनन किया है उसमें जो उनकी नीति थी, नियत थी, वो साफ नहीं दिख रही थी। वो ये कह रहे थे कि हमने कानून बहुत बढ़िया बनाए, किसानों के हित के लिए बनाए और कृषि विशेषज्ञों से मतलब मशवरा करके बनाए, लेकिन कुछ किसानों को समझा नहीं पाए हम। ये जो भाषा है ना, ये उसकी निम्न स्तर की भाषा है। दूसरी बात ये कि जो हमारी लड़ाई मेन लड़ाई एमएसपी पे प्रधानमंत्री जी ने कोई बात ही नहीं की है, और जो 2020 जो बिजली बिल है ना, उस पर प्रधानमंत्री कोई बात की है। और फिर इसकी भी हम ये कह रहे हैं कि हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री कम से कम एक बात तो हमारी मानी, लेकिन जब तक ये कानून पार्लियामेंट में निरस्त नहीं हो जाएगा तब तक हम इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी दुनिया में सबसे बड़े झूठा है, हो सकता है ये भी कोई बड़ी झूठ हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा है उनकी जो गरिमा है उसका मान सम्मान आपको करना चाहिए, धरना स्थल से आपका बटो। देखो, मान सम्मान तो हम हर इंसान का करते हैं, वो तो प्रधानमंत्री जी हैं, हमें हर इंसान का छोटे बड़े का सम्मान करते हैं, और धरना के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि ये जो मोदी जी ने माना है, जो ये बोला कानून वापस लेने के लिए, हम उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन ये जो धरना है ये जब तक चलता रहेगा जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बन जाएगा और जो 2000 बिजली बिल है वो वापस नहीं हो जाएंगे। लगातार 8वें 9वें दौर की बातचीत हो गई है। सुशांत, मैं आपसे सुशांत बातचीत है, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सुशांत, इनसे पूछिए कि एमएसपी पर जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि एमएसपी को लेकर की भी कमेटी का गठन किया जाएगा, क्या ये उसका पालन करेंगे? जी, कमेटी का गठन किया जाएगा, क्या आप उनका पालन करेंगे? देखो, ये तो खाली कहने की बात है, कमेटी गठन एक साल से कुछ नहीं हुआ, अब खाली चुनाव आ रहा है, 2 महीने चुनाव में रह गए हैं, और उपचुनाव में हारने के बाद इनकी ये मालूम पड़ा है कि जो उनका सर्वे आया है उसमें मालूम पड़ा है कि हम ये सत्ता खो रहे हैं, तो इस सत्ता को मतलब रोकने के लिए जो उनका जो ग्राफ गिर रहा है वोट का, उसे रोकने के लिए हो सकता है मोदी जी की भी कोई चाल हो नहीं। तो क्या लगता है कि तीनों कृषि कानून किसी फायदे के लिए लिए गए हैं वापस? नहीं, फायदे के लिए नहीं है, ये तो वापस लेना ही था, क्योंकि ये व्यापारियों के श्रमदाताओं के फेवर के थे, किसान के फेवर के कानून थे ही नहीं। ये असली जो कानून है जिस पर लड़ाई थी हमारी, ये तो जब इस पर थोप दिए गए थे। हम तो आंदोलन कर रहे थे पहले, वो एमएसपी की गारंटी कर रहे थे और 2000 बिजली बिल की बात कर रहे थे और जो श्रम कानून है जो उनकी बात कर रहे थे, ये तो हम पर थोप दिए गए हैं। अभी तो खाली एक मांग हमारी मानी गई है, 2-3 मांग हमारी। सुशांत, किसानों के साथ साथ लोगों को भी बहुत तरीके का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, रोड जाम हो गए थे जिससे काफी सारी चीजें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही थी, लोगों को परेशानी हो रही थी, व्यापार में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा इससे, कब तक ये परेशानी दूर की जाएगी, इनसे पूछिए। जी अच्छा, इसके धरना प्रदर्शन से काफी लोगों को दिक्कतें आ रही थी, काफी रोड जाम किया था आपने, कब तक जो है चीजें आप ये साफ हो जाएंगी, कब तक जो आप धरना स्थल से हट जाएंगे? देखो, जब तक हमारी एमएसपी गारंटी नहीं होगी और बिजली बिल 2020 हमारा जो वापस नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। तो क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? नहीं, रणनीति तो हमारे जो बड़े हमारे नेता है, जो संयुक्त मोर्चा है, जो कमेटी है, वो तय करेगी। हम तो उनके जो नियम बनाते हैं, जो हम बताते हैं, वो फॉलो करते हैं खाली। क्या कुछ आज आप जश्न करेंगे, क्योंकि काला कानून आपने कहा था उस समय जब ये लागू हुआ था, अब जो वापस ले लिया गया है, क्या कुछ आप जश्न का माहौल है और इस दिन को आप क्या कहेंगे? देखो, ये हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी है,
कामयाबी होती है वो दिन भी बड़ा होता है। हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी घोषणा करी है, यदि इसमें खड़े उतरे तो आज का दिन हमारा बहुत ही पवित्र दिन रहेगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसके बाद भी हमारी लड़ाई तो जब तक जारी है, आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक एमएसपी में कानून ना हो। तो मेन चीज ये है कि किसान को जो फसल है वो जो 2200 थी वो 1100 बिक रही है, जो 1900 थी वो 1100 बिक रही है, और जो खाद 1200 का 1900 मिल रहा है, मतलब लड़ाई तो ये है हमारी सारी। तो किसानों की तरफ से क्या कुछ, कौन कौन से यहाँ पर किस जगह से किसान आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं? नहीं, पूरे जिले के किसान आ रहे हैं, और हमारे यहाँ तो छाता तक के किसान आ रहे हैं। यूपी किसान है, छाता से काफी लोग हमारे आते हैं। कल पूरी छाता के लोग यहाँ बैठे थे, और आज भी हमारे पार्क हिसाब से आते हैं, जो हमारे गांवों के पाल हैं उनके हिसाब से लोग आते हैं। कैसे अपनी खुशी इजहार करेंगे आज? नहीं, खुशी तो है, देखो अलग अलग जगहों पर मिठाइयों से, जलेबियों से। जी देखो, हमारी जीत है, पहली जीत है हमारी, जो हमारे तीन चार जो पॉइंट थे, हमारी जो मांग थी उसमें पहली मांग प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम मान रहे हैं और पार्लियामेंट में इसको निरस्त कर देंगे। तो ये हमारी जीत है, और खुशी में हम आज भी यहाँ लड्डू बांटेंगे, खुशी मनाएंगे जो है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने क्षमा भी मांगी है लोगों से, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, ये तो उनकी अपनी है, क्षमा मांगने की बात तो ये है, उन्होंने 700-800 लोग किसान जो हमारे शहीद हुए हैं उनके बारे में सब नहीं बोला है। हम कैसे मान लो खेत व्यक्त कर रहे हैं? जब तक अब हम ये कह रहे हैं कि कोई जब कहीं इनका कोई मरता किसी का भी, तो नेता भगभग चले जाते हैं। हमारे 800 के करीब किसान शहीद हो गए हैं, एक शब्द नहीं बोला इन लोगों ने। हम कैसे मान लें इस बात को जो कह रहे हो आप? अच्छा, बीजेपी सरकार को आपको अब कितना भरोसा है? नहीं, सरकार तो सरकार है, देखो सरकार तो सरकार है, भरोसा पहले में था कांग्रेस में जब इसको लेकर आए, लेकिन इसने तो विश्वास तोड़ दिया वाकई में। इसने तो देश का भट्टा बैठा दिया है, तमाम हमारे जो सरकारी संस्थान है, जो हमारी जो बहुत बड़ी हमारी जमीन जायदाद थी देश की, जो हमारे आर्थिक उस पे आते थे, तमाम को बेच दिया और बेच रहा है। तो किस तरीके से आप आगामी कार्य देखते हैं अपने, किस तरीके से आप रणनीति बनाएंगे आप? देखो, बात यह है कि जो सेशन चलेगा उस सेशन में ये कितनी बात हमारी और मानते हैं। हमारा जो है, जो किसान संयुक्त मोर्चा का है, उसका तो ये है कि पहले इसको लागू करे, इसको निरस्त करे कानून को, उसके बाद हमसे बात करें, वार्ता हो, और वार्ता में जो चीज रह गई है वो भी उसका भी डिस्कस हो, उससे वही भी मानी जाए जब बात होगी आगे। अच्छा, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जितने भी किसान इस आंदोलन में शहीद हुए मरे हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, और जितने भी जो किसान हैं वो पकड़े गए हैं उन्हें छोड़ा जाए। नहीं देखो, ये तो पहली मांग है हमारी, ये कोई नई बात नहीं, पहली मांग है हमारी कि हम जो लड़ रहे हैं, हम नस्ल और फसल बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं, उसमें जो किसान हमारे इन्होंने गिरफ्तार किए हैं तो उनको पहले छोड़ना पड़ेगा, केस खत्म करने पड़ेंगे। और जो हमारे 700-800 जो हमारे किसान जो शहीद हुए हैं, हमारे शहीद हैं, लेकिन सरकार को भी मानना पड़ेगा, ये प्रधानमंत्री की सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे 800 लोग शहीद हुए हैं, इसलिए हमें उन शहीद का दर्जा दे और उनका जो मुआवजा बने वो मुआवजा दिया जाए। अच्छा, ताजा मामला, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा था कि कल कहा था कि ये किसान नहीं है, ये कुछ किसान संगठन है जो लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहेंगे? देखो, ये कोई नई बात नहीं इनकी, ये वही आरएसएस वाले लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया, और अंग्रेजों ने मुखबरी के बदले इनका जो बहुत बड़ा जो किरदार कहते हैं, जिसे वीर सावरकर कहते हैं, उसको 80 और 60 रुपए पेंशन अंग्रेज सरकार देती थी। ये तो पहले से ऐसी नई बात है, ये तो वही बात बोलेंगे जो किसान मजदूर के फेवर की ना हो, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर की आपकी 500 से ज्यादा पर चल रही है, वो किसान की बात क्यों करेगा, वो मजदूर बात क्यों करेगा, क्योंकि बात खुद सरमाएदार है, इसलिए उसकी बात पे कोई गौर हम नहीं करते। फिलहाल किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जितनी भी ये जो तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए गए हैं, जब तक हमें आश्वासन नहीं मिलेगा, जब तक संसद में ये जो कानून है ये पारित नहीं होगा रद्द करने का, तब तक हम किसी भी बात को नहीं मानेंगे, और जो धरनारत जो किसान है वो ऐसे ही यहाँ पर बैठे रहेंगे। जी बिल्कुल सुशांत, जिस तरीके से आपने किसानों से बातचीत की, और किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि एक लंबे अरसे से वो इंतजार कर रहे थे कि कानून को रद्द किया जाए, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने जब आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने यही कहा था कि जब तक कानून वापसी नहीं होती है वो घर वापसी नहीं करेंगे। एक लंबा समय बीत गया, एक साल होने जा रहा है, 26 नवंबर को एक साल हो जाएगा। तो सुशांत, कहीं ना कहीं इस लंबे अरसे के समय कई सारे पड़ाव से गुजरा यह आंदोलन, तो वो विश्वास टूट चुका है पूरी तरीके से, इसी वजह से किसान भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। हम तो सुबह से ये भी
जी देखिए, काफी लंबे समय से जो ये किसान हैं ये यहाँ पर बैठे हैं, लगातार जो है बातचीत का सिलसिला जारी था। उसके बाद जो केएमपी बॉर्डर है या यूं कहें कि NH2 जो मेन सड़क है ये जाम कर दी गई थी, काफी लोगों को यहाँ पर समस्याएं आ रही थी। इसके बावजूद भी जो सरकार है इसका संज्ञान नहीं ले रही थी। सरकार जब अपनी बात पर अड़िग थी और लगातार जो है वो ये कह रही थी कि जो किसान है वो जो कृषि कानून है वो हम वापस नहीं लेंगे, जो कि किसान को लगातार